हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों के साथ बेबी टॉप शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने साड़ी से बनाया है। आप इसको जॉर्जेट के दुपट्टे से भी बना सकते हैं इजीली। चलिए मार्किंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम दो फैब्रिक लेंगे, ये जॉर्जेट का है ऊपर वाला और नीचे हमने इसमें अस्तर के लिए लिया है। देखिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके चार फोल्ड कर लिए हैं जैसे आप देख सकते हैं। इसके बाद हम मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम रखेंगे इसको 2.5 इंचेस और यहाँ से हम इसको 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। एक यहाँ से हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे जो कि हमारा चेस्ट का होगा। ये 5.5 इंचेस हम ऐसे ही रखेंगे इसको। ये हमारा आर्मोल का होगा, तिरछाई रखेंगे इसको। और नीचे हम 14 इंचेस पे निशान लेंथ रखेंगे हम इसकी। हमें इसकी टोटल लेंथ जो है 15 इंची तैयार करनी है। नीचे से 6.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे एक बॉटम के लिए और साइड से हम इसको ऐसे मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, काफ़ी सुंदर टॉप है। आप प्लीज़ पूरा देखिए वीडियो को। साइड से भी हम इसको जो हमारे और इसके बाद हम मेन फैब्रिक की कटिंग करते हैं। तो इसकी जो हमें विड्थ रखनी है वो 20 इंचेस रखनी है और हम नीचे तक सीधा मिला देंगे इसको। और लेंथ हम इसकी जो हमने इनर पार्ट काटा है उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। अभी इनर पार्ट के साथ देखते हैं इसको, कट करते हैं। इसके बाद हम इसको ये इसकी लेंथ वाइज हम इसको फैला लेंगे। इसके बाद हम जो हमारा इनर है उसको रखेंगे इसके ऊपर। सबसे पहले हम इसके आर्म होल साइड से रखेंगे। इसकी हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे ऐसे ही। इसमें चुन्नट पड़ेंगे इसलिए हमने ये ज़्यादा लिया है। और नीचे से हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद क्योंकि नीचे से हमें ये कम ही रखना है, नीचे चुन्नट नहीं पड़ाने हैं, नीचे इलास्टिक आएगी इसमें, तो उसे कट कर देंगे। अब ऊपर से जो एक हिस्सा जुड़ा हुआ था उसको भी कट कर देंगे हम। ऐसे कट कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम कटिंग करेंगे। हम इसमें ऊपर पट्टी लगाएंगे जो अभी आपने वीडियो में देखा। इसकी हम लेंथ रखेंगे 17 इंचेस। इसको अब डबल फोल्ड कर लेंगे और इसकी हम विड्थ रखेंगे यहाँ पर 5 इंचेस, क्योंकि ये हमें 2 इंच तैयार करना है तो हमें 5 इंच रखना पड़ेगा और हाफ हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ऊपर वाला नेक वाला हिस्सा है इसका, हम इस पर सिलाई लगा लेंगे जहाँ हमें चुन्नट डालने हैं। दोनों सिरों पे हम सिलाई लगा लेंगे, ये देखिए। और यहाँ हमें इसमें जैसे धागा खींच करके हम प्लेट्स डालते हैं तो हमें ऐसे ही करना है इसमें। ये देखिए, हम धागा खींच लेते हैं इसका इस तरह से। ये देखिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे आर्म होल है हम उसको सिलेंगे। तो हम इसको उल्टी साइड से रखेंगे मेन फैब्रिक को ऊपर वाले को, और हम आर्म होल जो है इसका हम ये सिल देंगे ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छी आए। इसलिए हम इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे इन सबको। अब दूसरी साइड से हम आर्म होल जो है इसका सिल देंगे। हमारी इसमें बाहर सिलाई नहीं दिखेगी इस तरह से। देखिए, दूसरी साइड से भी हमने आर्म होल जो है इसका, इस पे हमने सिलाई लगा दी है। देखिए, अब हमें ऐसे ही इस साइड से भी सिलना है। ये देखिए, ये हमारी साइड है, हमने साइड से भी इस पे सिलाई लगा दी है। अब हमें इसमें नीचे की साइड जो है इलास्टिक लगाएंगे। ये देखिए, जो नीचे का हिस्सा है तो वहाँ पर इलास्टिक लगाने का ये रूल होता है, हम हाफ से थोड़ा 2 इंच हम ज़्यादा इसमें कट कर लेंगे। जितनी हमारी लेंथ है उसका हाफ लेंगे, उसकी हम आधा इंच, तो 2 पट्टी काट लेंगे क्योंकि हमें दोनों हिस्सों में लगानी है ये। तो इस तरह से हम नीचे के साइड में हम ये अपना दोनों फैब्रिक के ऊपर रखेंगे, ऐसे सिलाई लगा देंगे।
ये देखिए, अब नीचे लग गई तो हम दूसरी साइड जो हमारी साइड बची थी उस पर भी लगा देंगे ऐसे ही सिलाई। ये देखिए हमारी इसकी सिलाई लग चुकी है। अब हम आर्म होल पे यहाँ पर हम कट लगाएंगे, दोनों आर्म होल पे लगा लेंगे। इससे क्या होगा, इसमें जब हम पलटेंगे इसको तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब हम जहाँ से हमारा ये ऊपर का हिस्सा खुला था नेक से, वहाँ से हम इसको पलट लेंगे अब, और किनारे जो हमारे साइड से किनारे हैं उनको हम अच्छे से निकाल लेंगे। चार कोने बनेंगे इसमें, चारों कोनों को हम अच्छे से दे देखिए इस तरह से आएगा। अब हम इस पे जो हमारा आर्म होल है उसके ऊपर हम एक बार सिलाई कर देंगे, जिससे कि ये पक्का हो जाएगा। साइड की सिलाई हम बाद में लगाएंगे दोनों हिस्सों को तैयार करके। फिलहाल हम आर्म होल पे हम सिलाई लगा देंगे इसके, देखिए ऊपर की साइड। तो ये देखिए आर्म होल पर हमने यहाँ पर सिलाई कर दी है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका दूसरा हिस्सा भी है जो ऐसे ही तैयार कर लेंगे बिल्कुल। और देखिए मैंने दूसरा हिस्सा भी इसका बना लिया है सेम ऐसे ही। अब हम क्या करेंगे, जो हमने पट्टी काटी थी हम उसको पहले एक सिलाई लगा लेंगे उसमें, जो साइड उसकी खुली थी। हमें ये सिलाई जो है इसमें ऐसे लगा लेनी है, और अब इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे गोलाई। क्या करेंगे, इसके हम गले की मेजरमेंट करेंगे जो 5 इंचज़ है, और उसी के हिसाब से हम यहाँ पर भी हम 5 इंच इसके पट्टी के बीच में निशान लगाएंगे। देखिए 2.5 इंच पे लगा लिया मैंने डबल फोल्ड करके इसको, और इस पर 4 निशान आएंगे ये, क्योंकि 4 फोल्ड थे तो हम इसमें 4 निशान लगा लेंगे चारों। तो इस तरह से, क्योंकि बीच में लगा लिया है हमने निशान, और सबसे पहले हम इस पर सिलाई लगा लेंगे दोनों हिस्सों पे इसके। उससे क्या होगा, हमें ये इजी रहेगा, हम इसको अंदर फोल्ड करेंगे तो हम इसका इसको ऐसे अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे दोनों साइड से, और एक निशान तक हम यहाँ पर सिलाई कर देंगे। देखिए अब यहाँ तक सिलाई करने के बाद हम इसमें हमारा एक हिस्सा रखेंगे, और उसको हम बीच में रखेंगे, और नीचे वाले हिस्से को पहले फोल्ड करेंगे, फिर बीच में ये हिस्सा रखेंगे, फिर ऊपर वाले हिस्से को भी हम 1/2 इंच ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस पट्टी को फोल्ड करने के बाद नीचे वाली पट्टी फोल्ड करनी है, फिर ऊपर ये फैब्रिक रखना है जो हमारा हिस्सा तैयार है, और उसके ऊपर हमें ये पट्टी फोल्ड कर देनी है ऐसे, और सिलाई कर देंगे जहाँ हमने निशान लगाया था ना वहाँ तक हमें ये सिलाई करनी है। उसके बाद एक निशान यहाँ बीच में आएगा, उसको हम ऐसे ही सिलाई कर देंगे, एक तरह से हमारे शोल्डर आएंगे यहाँ पर ऐसे ही। अब हम इस दूसरे हिस्से को भी ऐसे रख के सिल देंगे। ये 5 इंचज का है तो हमें पता है हमने निशान लगा रखा है जहाँ तक आएगा। उसके बाद हम इसको पूरा सिल देंगे लास्ट तक, ये देखिए, और ये हमारा इस तरह से आएगा, ये देखिए। अब हमारा बस एक काम बचा है इसमें, इस साइड में हमें सीम्स लगानी है, साइड सिलाई लगानी है इसकी। तो 1-1 इंच की हम ये ऊपर तक ऐसे सिलाई लगा देंगे इसमें, ये देखिए, और इसको पक्का ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ये निकले नहीं सिलाई। ऐसे ही हम दूसरे साइड से सिलाई लगा देंगे इसमें, और इसकी टोटल लेंथ जो होगी तैयार हमारी वो 15 इंचज़ होगी। 13 इंच नीचे का फैब्रिक बचेगा और 2 इंच ऊपर, तो ये 15 इंचज़ हो जाएगी। और इसमें मेरे पास एक फ्लावर था तो वो मैं फ्लावर लगा दूंगी, और ये जो है हमारा 3 से 4 साल बच्चे के लिए है, ये देखिए।